अगर आप लोग जाते हैं प्ले स्टोर पर, वहाँ पर सर्च करते हैं गूगल लेंस, लेकिन वहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ता है, और फिर कहीं से अगर आप लोग देख भी पा रहे हैं तो वहाँ पर लिखता है कि ये आपके डिवाइस के लिए सपोर्ट नहीं करता है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, हमारे साथ भी आ रही थी, लेकिन हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और आपको भी बताने वाला हूँ कि ये इन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च में नहीं आ रहा है और फिर आप लोग इंस्टॉल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेकर आ गया हूँ। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी लोग कैसे आप लोग गूगल लेंस को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप में सपोर्ट नहीं करता है तो, और 100% वर्क भी करेगा। अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चलूंगा, वहां से आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप लोग कर सकते हैं ये सब। तो चलिए मैं अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर गूगल लेंस को सर्च कराता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारे में शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिंपली मैंने गूगल लेंस सर्च कर दिया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गूगल लेंस शो ही नहीं कर रहा है हमारे डिवाइस में, ठीक है। चलिए, ऐसा बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका भी सोल्यूशन मैं बताऊँगा आपको। फिर चलिए मैं बताता हूँ कि अगर आपको प्ले स्टोर में दिख ही नहीं रहा है तो आप लोग कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं। तो आपको सिंपली अपने ब्राउज़र में जाना, कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, हम यहाँ क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रखा है, ठीक है। तो क्रोम ब्राउज़र में जाकर आपको गूगल लेंस सर्च कर लेना है और फिर आपको वहाँ पर दिख जाएगा गूगल लेंस का ऑप्शन, जहाँ पर गूगल प्ले का साइट होगा उसी पे क्लिक कर देना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर आप लोग डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर में ऑटोमेटिक आ जाएंगे और यहाँ पर आपको गूगल लेंस देखना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिख ही रहा है, आप लोग यहाँ से इंस्टॉल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा मिल जाएगा कि ये आपके डिवाइस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अब बताता हूँ कि आप सभी लोग के लिए अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली यहाँ से चलिए मैं प्ले स्टोर से अभी बाहर आ जाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि अगर आप में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, आपका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर एप्लीकेशन में, एक जो कि हॉट ऐप्स के नाम से है। ये एप्लीकेशन देखिए हर एक डिवाइस में अलग अलग होता है, जैसे कि ये मेरा रियलमी का डिवाइस है तो यहाँ पर हॉट ऐप्स करके नाम से है। अगर आपका कोई और डिवाइस होता है सैमसंग का है तो वहाँ पर सैमसंग ऐप्स रहता है। जितने भी सारे अलग अलग डिवाइस होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन होता है, सबका एक ऑफिशियल ऐप होता है। वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ से गूगल लेंस को सर्च कर लेना है और फिर वहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर भी आपको लिखा मिल जाएगा कि ये आपके डिवाइस के लिए अवेलेबल नहीं है, फिर भी यहाँ से इंस्टॉल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये गूगल लेंस फेक है, तो अभी मैं इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपको प्ले स्टोर पर लेकर चलूँगा, वहाँ दिखाऊँगा कि भाई वहाँ जो एप्लीकेशन है वही ये एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और ये 100% यूज भी होगा, ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करेगा, मेरे डिवाइस में वर्क करेगा 100%, ठीक है। तो चलिए अभी इंस्टॉल होने देते हैं। अगर आप में कोई ऐप स्टोर नहीं है तो भी आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ से आपको डायरेक्ट गूगल लेंस सर्च करना होगा और किसी भी थर्ड पार्टी साइट से जाकर इंस्टॉल कर लेना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर अपना ओपन कर रखा है और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा वर्क कर रहा है कि या फिर नहीं गूगल लेंस। तो यहाँ से मैं एक इमेज को सर्च कर लेता हूँ। देखिए मैंने इमेज यहाँ पर ये सर्च कर लिया है, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ये देखिए हमारा रिजल्ट आना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा 100% एकदम पूरा वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है हमें वर्क करने में, ठीक है। तो यहाँ पर यार आप लोग यहाँ से ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट चाहे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना तो नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ से और कुछ मैं अभी अपना कैमरे से स्कैन कर सर्च करता हूँ, देखिए ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग करके देख लेते हैं, यहाँ पर भी देखिए वर्क कर रहा है और पूरा वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, तो 100% वर्क कर रहा है। चलिए अपने प्ले स्टोर पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ ये एप्लीकेशन ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से क्रोम पे आ जाता हूँ, यहाँ से सर्च कर लेता हूँ जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है और ये 1 बिलियन+ डाउनलोड हुआ है, यानी कि ये भाई हमारा ओरिजिनल गूगल लेंस है जो कि 100% वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।